उत्तर प्रदेश में अब्बा जान के बाद चचा जान। राकेश टिकैत ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी का चचा जान यूपी आ गया है, यहां के किसानों को बर्बाद करेगा। बीजेपी ने राकेश टिकैत पर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है, टिकैत विपक्ष के लिए फील्डिंग कर रहे हैं। राकेश टिकैत के चचाजान वाले बयान पर यूपी के मंत्री बृजेश पाठक का पलटवार, कहा बीजेपी के खिलाफ बोलकर विपक्ष के लिए मैदान तैयार कर रहे हैं टिकैत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अब्बा जान वाले बयान पर अब एनडीए में घमासान। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा, नेताओं को मर्यादित बयान देना चाहिए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बिगड़े बोल, बीजेपी के पिछड़े नेताओं पर दिया विवादित बयान, सीएम योगी पर भी दिया गैर जिम्मेदाराना बयान, कहा सीएम को जेल भेज देना चाहिए। चुनाव से पहले आज उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात देंगे सीएम योगी। अलग अलग जिलों में बनने वाली सड़कों का लोकार्पण और कोसी मथुरा में पेप्सिको की 814 करोड़ की लागत से बने प्लांट का शुभारंभ करेंगे। सीएम योगी के अब्बा जान वाले बयान पर सियासी घमासान। राहुल गांधी ने ट्विटर पर तंज कसा, लिखा जो नफरत करे वो योगी कैसा। राहुल गांधी के ट्वीट पर सीएम योगी का जवाब, लिखा राहुल जी अगर अपराधियों और उपद्रवियों के साम्राज्य पर बुलडोजर चलाना नफरत है तो ये नफरत अनवरत जारी रहेगी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का भी योगी पर हमला, पूछा जब गंगा में लाशें तैर रही थी, ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे थे, तब कहां थे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पूछा, योगी जी बता दें पिता जान बोलने वालों को उन्होंने कितनी नौकरी और रोजगार दिया। भदोही में बीजेपी सांसद रीता बागुड़ा जोशी ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा, बोली प्रियंका ट्विटर और फेसबुक की नेता हैं, वहीं अच्छी लगती हैं, ये लोग जब चुनाव आता है तभी क्यों जागते हैं। अयोध्या में आम आदमी पार्टी ने निकाली तिरंगा यात्रा। मनीष सिसोदिया बोले, सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। अच्छी सरकार की सबसे बड़ी प्रेरणा राम राज्य है, राम के सहारे सबका बेड़ा पार। यूपी में राम के नाम पर छिड़ी जंग। यूपी के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, कहा जो लोग पहले श्री राम का दर्शन और अयोध्या आने से कतराते थे, आज वो अयोध्या के चक्कर लगा रहे। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ गठबंधन के सवाल पर बोले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, अगर वो बात करने के लिए तैयार हैं तो हम सबसे बात करेंगे। बिहार में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बोले, ओवैसी देश में दूसरा जिन्ना बनना चाहते हैं, ओवैसी का एजेंडा सिर्फ तालिबानीकरण इस्लामीकरण है। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की जेडीयू की तैयारी, लखनऊ में हो सकती है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अगली बैठक। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट के आवेदन के लिए देने होंगे 11,000 रुपए। पार्टी ने आवेदन करने वालों से सोशल मीडिया के लाइक्स भी बताने को कहा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।